अच्छा जरा सुनो, जिस आदमी ने अपनी जिंदगी में किसी एक लड़की को एक फूल तक ना दिया हो, फिर उसे अचानक इतने लोगों के सामने फूलों से भरी माला पहनानी पड़े, तो कॉन्फिडेंस तो हिलेगा ही ना बेचारे का। आज की बकवास। अरे आज की खबर भी उस किस वाली खबर की तरह है कि दूल्हे के मुंह से शराब की भाप आते ही दुल्हन ने किया शादी से इनकार। मुंह से भाप? दूल्हा था या स्टीम इंजन जो मुंह से भाप निकाल रहा था? अरे खुशबू आ रही थी शराब की। खुशबू? तुमने तो कहीं पीना नहीं शुरू कर दिया? क्यों? जो बदबू की जगह तुम्हें खुशबू आ रही थी, कुछ तो गड़बड़ है दिलीप बाबू। अरे यार कुछ भी कह लो, खुशबू कह लो, भाप कह लो, महक कह लो, उस कमबख्त को क्या जरूरत पड़ी थी मंडप से पहले पी कराने की? अरे यार शायद कॉन्फिडेंस की कमी रही होगी, हाथ पैर थरथरा रहे होंगे, कांप रहे होंगे, तो एक घूंट दो घूंट लगा लिया होगा बेचारे ने। ऐसी क्या कॉन्फिडेंस की कमी रही होगी। अच्छा जरा सुनो, जिस आदमी ने अपनी जिंदगी में किसी एक लड़की को एक फूल तक ना दिया हो, फिर उसे अचानक इतने लोगों के सामने फूलों से भरी माला पहनानी पड़े, तो कॉन्फिडेंस तो हिलेगा ही ना बेचारे का। कॉन्फिडेंस हिलना कमजोर दिल वालों का काम है। शादी के लिए तो जिगरा चाहिए, शादी के साथ भी और शादी के बाद भी। मैं कितना कॉन्फिडेंशियल था तुमने तो देखा ही होगा। कॉन्फिडेंशियल थी तो मैं कैसे देख पाती? कॉन्फिडेंशियल का मतलब ही गुप्त होता है। तो तुम समझ गई ना? और समझ गई तो बस काफी है। जरा सोचो, उसके दो चार पैक के चक्कर में लड़की को तो सदमा लगा ही होगा, उसके बाप का कितना नुकसान हुआ होगा। रे यार नुकसान तो लड़कों का भी हुआ होगा, बैंड बाजा, डीजे, घोड़ा, बाराती, और फिर न जाने कितनी बोतलें शराब की खुली होंगी, अपने दोस्तों पर निछावर की होंगी, ये सब फ्री में नहीं आता है। नुकसान तो दोनों का ही हुआ, तो तुम्हारे हिसाब से क्या करना चाहिए था लड़के को? अरे जब दारू पी ही ली थी तो टेप लगा कर आना चाहिए था ना मंडप में उसका। शादी के बाद तो टेप लगाना ही है, शादी में भी टेप लगा कर। तो क्या हुआ, उसकी शादीशुदा जिंदगी में टेप के दो चार घंटे और ऐड हो जाते, पर एक अच्छी शुरुआत तो होती, और उसकी होने वाली बीवी उसे देखकर कितना खुश हो जाती कि मुझे बोलने के लिए अभी से मोनोपोली दे रहे हैं। तुमको बड़ा मजा आ रहा है पति के मुंह पर टेप लगाने वाली बात पर। दरअसल टेप तो पत्नियों के मुंह पर लगना चाहिए, बोलती तो वही ज्यादा है। चुप करो, अगर पत्नियां चुप हो गई ना तो तुम लोगों के ना हाथ पैर फूलने लगते हैं, पसीने छूट जाते हैं आप लोगों के, और सर पे ना खतरों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तुम सोचते घूमते हो, अरे क्या हो गया, क्यों चुप है, कुछ गलती तो नहीं कर दी मैंने? अरे और काश हमको भी ऐसा एहसास करने का मौका मिलता। अच्छा कभी तो तुम भी चुप होकर दिखाओ। अच्छा लो हो गई चुप। सच में बोल बोल। ए बुलबुल। अरे यार बुलबुल मैं तो मजाक कर रहा था। अरे ये शो ही बकवास करने का है, सुनो तो। एकदम चुप हो गए, बोल ही नहीं रहे। चलिए मैं ही शो को आगे बढ़ाता हूँ। शादी भले ही कैंसिल हो गई हो, लेकिन लड़के वालों ने खाने का और नागिन डांस का पूरा मजा लिया, और लड़के वालों का तो पैसा वसूल हो गया, और लड़की वालों का क्यों बुलबुल? अरे कुछ तो बोलो यार, इतना सन्नाटा कभी नहीं रहा इस घर में। सुनो सुनो, देखो चींटियों की भी आवाजें आ रही, सुनो। कैसे मनाएं? एक काम करते हैं, माधवी को फोन करके पूछते हैं। खबरदार उससे बात नहीं करोगे तुम। आए, आए, बोली तो सही। ज्यादा खुश मत हो, ये इमरजेंसी वाला टाइम आउट है। माधवी के लिए इमरजेंसी वाला टाइम आउट? बस कुछ ज्यादा नहीं चपकती हूँ तुमसे। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो बड़ी अच्छी है। बस नो बहस। अच्छा बाबा नो बहस। पता नहीं आपकी पत्नी मौन व्रत रखती है या नहीं, अगर रखती है तो उसका मौन व्रत कैसे तोड़वाते हैं, माधवी से? और जरा ये भी बताइएगा, चुप पत्नी ज्यादा खतरनाक होती है या बोलती हुई पत्नी? कमेंट में जरूर बताइएगा। बुलबुल ए बुलबुल। अरे बुल फिर गुस्सा। बुलबुल मैं अपना मौन व्रत तोड़ रही हूँ सिर्फ आपको बताने के लिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर करिए, करेंगे ना? थैंक यू।
बोल बोल।